Hi guys, my name is Soma Sarra. Welcome back to my channel. Today's topic is very interesting topic. It's all about girl. How to describe a girl in front of your family and in front of your friends. So either that is a girl of your dream, that's a girl, suppose that is your class, new class fellow or your new employee. So आपने उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, उसकी उसकी फिजिकल अपेयरेंस को, उसकी लुक को कैसे डिस्क्राइब करना है. सो हियर आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल कि इफ यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस और यू आर इन योर क्लासरूम, अ गर्ल वॉक्स इन, अ न्यू क्लास फेलो और योर न्यू एम्प्लॉय और न्यू कोलीग वॉक्स इन एंड यू हैव सडनली इमीडिएटली फॉलन इन लव विद दैट गर्ल एंड यू थॉट दैट शी इज द गर्ल ऑफ माई ड्रीम एंड you have a crush on her. तो आप क्या करेंगे कि अपने किसी फ्रेंड को, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट टू डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स. तो जब आप अपने फ्रेंड को उस चीज़ के बारे में बताएंगे तो द फर्स्ट क्वेश्चन योर फ्रेंड विल आस्क, ओ माई गॉड, वाओ, प्लीज टेल मी अबाउट दैट गर्ल, हाउ डज शी लुक लाइक. तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा परेशान भी होंगे कि हाँ मैं उस लड़की को कैसे डिस्क्राइब करूँ. सो वी यूजली हैव सम कॉमन वर्ड्स जस्ट लाइक शी इज़ ब्यूटिफुल. ओके, हमारे पास एक दो वर्ड्स होते हैं कि जिनको हम लोग बार बार यूज करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन और टू वर्ड्स, आई हैव अ वास्ट वोकैबुलरी टू डिस्क्राइब द गर्ल. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. देर आर मैनी वेज टू डिस्क्राइब द गर्ल. देट इज फिजिकल, डेट कुड बी हर पर्सनैलिटी, डेट कुड बी हर फिजिकल लुक. तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं. वी कैन से शी इज सच अ गॉर्जियस गर्ल. ठीक है, कि वो बहुत गॉर्जियस गर्ल है. नंबर सेकेंड, ब्यूटिफुल, यू कैन से शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. द नेक्स्ट थिंग वी कैन यूज इज क्यूट, शी इज सो क्यूट. क्योंकि कुछ गर्ल्स होती हैं वो प्यारी, ऑब्वियसली जितनी भी गर्ल्स हैं सारी होती तो प्यारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके फेस में बहुत इनोसेंस होती है और वो बहुत क्यूट लगती हैं. तो आप एकदम से कहते हैं, ओ माई गॉड, शी इज सच अ क्यूट गर्ल, शी इज सो क्यूट. सो अगर एक लड़की थोड़ी सेक्सी टाइप की है या हॉट है, तो उसके लिए आप हॉट और सेक्सी का वर्ड यूज कर सकते हैं. अच्छा, ये टर्म्स ऐसी हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं कि जो आप, यू कैन नॉट यूज इट इन फ्रंट ऑफ द गर्ल. सो आप उसे अपने किसी फ्रेंड्स के बारे में, फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं. क्योंकि बहुत से गाइस जब एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं किसी लड़की के बारे में, तो वो ये वर्ड यूज करते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज स्मोकिंग, द स्मोकिंग गर्ल. इंस्टेड ऑफ यूजिंग हॉट एंड सेक्सी, यू कैन से शी इज स्मोकिंग गर्ल. अच्छा, आप उसे कोई भी नंबर दे सकते हैं कि शी इज अ 10, शी इज अ 9, शी इज अ 8. अगर वो आपकी ड्रीम गर्ल है, यू वॉन्ट टू गेट मैरिड विद हिम विद हर, तो आप क्या करेंगे, क्या आप उसे नंबर दे देंगे. जस्ट लाइक अगर बहुत अच्छी लगती है आपको, तो आप उसे कहेंगे शी इज अ 10 और शी इज अ 9. 8 और 8 के बाद जो बाकी आ जाते हैं नंबर्स, वो थोड़ा सा लो होना शुरू हो जाता है. अब ऑब्वियसली अगर आपकी कोई ड्रीम गर्ल है या आपका क्रश है किसी पे, तो आप उसे 8, 7, 6, 5, 3 ये नंबर्स तो नहीं देंगे. तो आप उसे यूजुअली कहेंगे 10, शी इज अ 10. अच्छा, इसके साथ आपने आर्टिकल को यूज करना है, 10 और शी इज अ 9. यूजुअली अगर आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो आप उसको 10 का नंबर देते हो कि शी इज अ 10. ओके, शी इज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल. एक लड़की ऐसी होती है कि जो बहुत ज्यादा हर टाइम बोलती रहती है, बोलती रहती है, बोलती रहती है. तो आप क्या करेंगे, शी इज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल. शी इज अ टॉम बॉय, शी इज अ टॉम बॉय. के उसके टॉम बॉय ये होता है कि उसकी लुक और उसकी चाल सब कुछ जो है वो लड़कों वाली होती है. कि इंस्टेड ऑफ वेयरिंग ड्रेसेस, वो क्या करती है, शी यूज टू वेयर टी शर्ट्स, जीन्स ऑल द टाइम. तो आप उसे क्या बोलेंगे, शी इज अ टॉम बॉय गर्ल, शी इज अ गर्ली गर्ल. अदर टर्म इज गर्ली गर्ल. गर्ली गर्ल वो होती है कि जो ज्यादातर लड़कियों की तरह ही होती है, क्योंकि मोस्टली गर्ल्स जो है वो लड़कियों की तरह ही होती हैं. तो टॉम बॉय टाइप जो है वो कम ही होती है. तो गर्ली गर्ल जिन्हें रेड और पिंक टाइप जो गर्ल्स के फेवरेट कलर्स हैं, उन्हें वो फेवरेट कलर पसंद आते हैं. गर्ल्स की हॉबीज उन्हें ज्यादा अच्छी लगती हैं. मेकअप करना उन्हें अच्छा लगता है, खुद को बिना संवार के रखना अच्छा लगता है. मीन्स इट्स ऑपोजिट टॉम बॉय. टॉम बॉय जो गर्ल्स होती हैं, उन्हें टी शर्ट पहनना, जीन्स पहनना, हॉर्सेस पे राइड करना, मेकअप उन्हें इतना अच्छा नहीं लगता. सो गर्ली गर्ल एंड टॉम बॉय जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हम लोग यूज कर सकते हैं. अच्छा, अनदर टर्म इज हाई मेंटेनेंस. हाई मेंटेनेंस गर्ल, कि अगर आप उसकी पर्सनैलिटी को जानते हैं, अगर आप फर्स्ट लुक में देखते हो, तो आप ये टर्म्स उनके लिए यूज कर सकते हो. ठीक है, ये टर्म्स यूज कर सकते हो. लेकिन जिसको आप
अच्छे तरीके से जानते हैं तो आप उसके लिए ये टर्म्स यूज कर सकते हैं, हाई मेंटेनेंस। हाई मेंटेनेंस गर्ल वो होती है कि जिसके ऊपर आपको यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर हर मेकअप, फॉर हर मेंटेनेंस, फॉर हर हेयर कट, तो आपने उसके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करनी होती है कि उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। सो ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप अगर आप रखते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपको 100% अटेंशन उन्हें देनी है। आप अपनी केयर करो ना करो, लेकिन आपने उसकी केयर जरूर करनी है, और शी वॉन्ट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर हर सेल्फ। सो हाई मेंटेनेंस गर्ल्स के जिनके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है। लो मेंटेनेंस गर्ल्स, कुछ गर्ल्स की टाइप होती है जो लो मेंटेनेंस होती है, मीन्स दे आर वेरी ईजी गोइंग गर्ल्स, दे आर वेरी वेरी कूल टाइप की गर्ल्स, के उनके ऊपर अगर आप ज्यादा अटेंशन नहीं भी दोगे, जरूरी नहीं कि आपने 24 आवर्स उसे कॉल करनी है, तो अगर आप उसे कॉल नहीं भी करोगे तो वो कहती है खैर है कुछ नहीं होता ना, अगर आप उसको थोड़े बहुत पैसे दोगे तो वो उसके ऊपर गुजारा कर लेगी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती। ठीक है, थोड़ी बहुत केयर दे दी, इजी गोइंग है तो आराम से मैनेज हो जाता है, इसके साथ रिलेशनशिप रखना इजी है। सो ये वो है कि जिनके साथ आपका थोड़े टाइम का कोई रिलेशनशिप रहा है तो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि विच गर्ल इज हाई मेंटेनेंस एंड विच गर्ल इज लो मेंटेनेंस गर्ल। लेड बैक एंड कूल, कूल एंड लेड बैक दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। लेड बैक का मीनिंग होता है कि समवन हु इज वेरी कूल एंड इजी गोइंग पर्सन। तो कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो काफी इजी गोइंग होती है, लाइक लो मेंटेनेंस, आप उनको कॉल करो ना करो वो ठीक है, आप उनको टेक्स्ट करो ना करो वो कहती हैं कि ठीक है, वो अंडरस्टैंड करती हैं। एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग गर्ल्स होती हैं कि जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करती हैं। आप ऑफिस गए हैं तो शी डजंट वांट टू डिस्टर्ब यू, क्योंकि आप ऑफिस में हैं, यू हैव टू अटेंड द बिजनेस मीटिंग, यू हैव टू अटेंड द बॉसेस एंड समथिंग एल्स, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन जो हाई मेंटेनेंस गर्ल्स होंगी, यानी कि जो लेट बैक का ऑपोजिट होंगी, हाई मेंटेनेंस गर्ल्स होंगी, उन्हें होता है कि 24 आवर्स उनके साथ कॉल पर बात करो, उन्हें टेक्स्ट करो, जितना भी टाइम है वो उस लड़की को देना चाहिए। अच्छा, पार्टी गर्ल्स, पार्टी गर्ल्स होती हैं कि जो लड़कियां हर टाइम बस ठीक है, उन्हें होता है कि हम लोगों ने हर टाइम जो है पार्टी करनी है, घूमना फिरना है, इधर उधर जाना है, क्लब्स में जाना है, डांस करना है। सो उनको हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन्हें हम लोग कह सकते हैं कि शी इज अ पार्टी गर्ल। किलर बॉडी, अच्छा काफी बॉडीज ऐसी होती हैं कि जो काफी स्लिम स्मार्ट होती हैं, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं अपने फ्रेंड को कि शी हैज अ किलर बॉडी। शी हैज किलर बॉडी के साथ आपने हैज का वर्ड यूज करना है। शी हैज अ किलर बॉडी, शी हैज किलर लेग्स, शी हैज किलर स्माइल, सो शी हैज किलर बॉडी। आप इस तरीके से भी लड़की को डिस्क्राइब कर सकते हो कि शी हैज अ किलर बॉडी, शी हैज किलर स्माइल एंड किलर लेग्स। ठीक है, आप इस तरीके से भी किसी लड़की को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो किसी लड़की को उसके बालों के कलर से भी डिस्क्राइब करते हैं कि शी इज ब्लॉन्ड, ठीक है, शी इज रेड हेडेड, तो इस तरह से भी आप गर्ल्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। सो आज के लेसन में हम लोगों ने काफी सारे वर्ड्स ऐसे देखे हैं जिस तरीके से आप एक गर्ल को एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो गर्ल लुक वाइज या पर्सनैलिटी वाइज कैसी है। तो दीज ऑल द टर्म्स, आई होप क्योंकि ये आज का लेसन जो था वो इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड था, तो इंग्लिश वोकैबुलरी हमारी इंप्रूव है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्यूटीफुल वर्ड तो हमारे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं कि जो हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, स्टर्निंग का वर्ड भी यहाँ पे यूज हो सकता है, शी इज स्टर्निंग, शी इज स्टर्निंग, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, स्टर्निंग, क्यूट, hot and sexy, she's smoking, so you can give her a number, she's very talkative, she's very party girl, she's a tomboy type of girl, she's girly girl, she's high maintenance girl, she's low maintenance girl, she's very laid back and cool girl, she has a killer body, she has killer leg and she has killer smile. So is tarah ke words hain jo aap, she's blonde, she's red handed, तो इस तरह के वर्ड्स हैं कि जो हम लोग अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं किसी लड़की को डिस्क्राइब करने के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस लेसन एंड यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी फ्रॉम दिस लेसन। सो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।